फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओप्पो F5 वर्सेस हुआवे मेट 10 लाइट की। दोनों को मैंने डिवाइड किया है पॉइंट्स की बुनियाद पर। मैं मुख्तलिफ फीचर्स की बुनियाद पर मुख्तलि दोनों मोबाइलों को पॉइंट्स दूंगा। हर पॉइंट का 5 पॉइंट्स होंगे और कुछ जो है ना मतलब कम होंगे पॉइंट्स। तो इस लिहाज से आखिर में जाके हम प्राइस के लिहाज से चेक करेंगे कि उसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम ओप्पो F5 और हुआवे मेट 10 लाइट का कंपेरिजन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बैटरी के वाले से। जो हुआवे में बैटरी है वो 3340 mAh की है, जबकि ओप्पो F5 में जो बैटरी है वो 3200 mAh की है। उसके बाद हम बात करेंगे डिज़ाइन की। डिज़ाइन में दोनों ही बेजल लेस डिज़ाइन के आमिर फ़ोन हैं, तो दोनों को बराबर पॉइंट्स मिलेंगे। थर्ड नंबर पर हमारे पास वेट आ जाता है। वेट में हुआवे का 164 ग्राम है, जबकि ओप्पो F5 का 152 ग्राम है। रैम में हुआवे के पास भी 4GB रैम है, जबकि ओप्पो F5 के पास भी 4GB रैम है। सिम स्लॉट की बात करें तो सिम स्लॉट में हुआवे मेट 10 लाइट के पास डबल सिम तो है, लेकिन हाइब्रिड सिम है, यानी कि एक स्लॉट में आप या तो मेमोरी कार्ड डालेंगे या फिर सिम डालेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो मेरे पास ओप्पो F5 है, इसमें डबल सिम भी है और कार्ड का फीचर भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हुआवे के पास 7.1.1 है, जबकि ओप्पो F5 के पास 7.1.2 है। स्क्रीन डेंसिटी की बात करूँ तो हुआवे मेट 10 लाइट की स्क्रीन डेंसिटी 409 pixels per inch है, जबकि ओप्पो F5 की 402 pixels per inch है। स्क्रीन साइज हुआवे मेट 10 लाइट का 5.9 inch है, जबकि ओप्पो F5 का 6.0 inch है। डिस्प्ले पैनल में हुआवे मेट 10 लाइट के पास IPS है, जबकि ओप्पो F5 के पास LTPS है, जो कि लो टेम्परेचर पॉलीसिलिकॉन डिस्प्ले होती है और IPS से थोड़ी सी बेहतर होती है। स्टोरेज मेट 10 की 64GB है, जबकि ओप्पो F5 की 32GB है। स्क्रीन रेजोल्यूशन में दोनों के पास फुल HD प्लस स्क्रीन रेजोल्यूशन है, क्योंकि दोनों के एस्पेक्ट रेशो 18:9 है। हुआवे मेट 10 लाइट का जो GPU है वो है माली TI30MP2, जबकि ओप्पो F5 का जो GPU है वो है माली G71MP2। अब हम बात करेंगे इन दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जो कि कैमरा है। कैमरा में हुआवे मेट 10 लाइट के पास डबल बैक कैमरा है, डबल फ्रंट कैमरा है। हुआवे का फ्रंट कैम 13+2 megapixel का है, जबकि ओप्पो का जो फ्रंट कैम है वो 20 megapixel का है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उसमें थोड़ी सी सॉफ्टवेयर की जो है ना वो इम्प्रूवमेंट है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। कैमरा को इतना खास रेट नहीं है। जबकि हुआवे मेट 10 लाइट के जो फ्रंट कैम है उसमें जो 13+2 megapixel के दो सेंसर हैं वो दोनों इन डेप्थ में जाके कंट्रास्ट और हाई कलर रेजोल्यूशन जो पिक्चर बनाते हैं वो काफ़ी कमाल की पिक्चर होती है, बनिस्बत हमारे ओप्पो F5 के पास। ओप्पो F5 सिर्फ सॉफ्टवेयर से मॉडिफाई करता है और उसी में प्रोसेस करके हमें एक छोटी सी मतलब खूबसूरत सी तस्वीर बना के दे देते हैं, जिसमें ना तो कोई डेप्थ होती है ना कोई कलर इतने अच्छे होते हैं। बैक कैमरा हुआवे के पास 16+2 megapixel का है और ओप्पो F5 के पास 16 megapixel का है, यानी कि सिंगल कैम है। प्रोसेसर हुआवे के पास किरण 659 है और ओप्पो F5 के पास मीडियाटेक का प्रोसेसर है, जो कि हीलियो P23 है। सीपीयू क्लॉक की बात करें तो हुआवे मेट 10 लाइट का जो सीपीयू क्लॉक है वो 2.34 GHz है, जबकि ओप्पो का 2.50 GHz है। दोनों मोबाइल में कोई ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आएगी, ना ही दोनों मोबाइलों में फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मौजूद है, दोनों में फिंगरप्रिंट की सपोर्ट मौजूद है। अब हम बात करते हैं आफ्टर सेल की। जो हुआवे की मार्केट है वो काफ़ी अच्छी है बनिस्बत ओप्पो के, तो यहाँ पे आफ्टर सेल जो आपको कीमत डिडक्शन के लिहाज से जो मैंने पॉइंट रिड्यूस किए हैं वो -3 हुआवे के हैं, और जो पॉइंट रिड्यूस किया है मैंने ओप्पो से वो है -4। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टोटल पॉइंट्स बन जाते हैं वो हुआवे मेट 10 लाइट के 58 हैं और ओप्पो F5 के 49 हैं। लेकिन अभी तक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि प्राइस है वो रहता है। यहाँ पे मैंने प्राइस को जो है ना कोई फिक्स प्राइस के लिहाज से इन पॉइंट्स के लिहाज से नहीं रखा, जितने भी मैंने 1000 के हिसाब से रखे हैं, जितने 1000 की प्राइस में फ़र्क होगा तो उतने मतलब कि हम पॉइंट्स माइनस कर लेंगे, या अगर कम होगी प्राइस तो दूसरे मोबाइल में प्लस कर लेंगे। तो अब ओप्पो F5 की जो इनवाइस रेट है यानी कि रिटेल प्राइस है वो है 31,900 rupees, और इसी तरह जो हुआवे मेट 10 लाइट है उसकी जो प्राइस है 29,900 rupees। तो 2000 का फ़र्क है दोनों की प्राइस में, जबकि पॉइंट्स जो है ना हुआवे के ज़्यादा हैं, तो मैं हुआवे को +2 points दे रहा हूँ और 2000 के क्योंकि फ़र्क है तो इसलिए मैं ओप्पो को -2 points दे रहा हूँ प्राइस के लिहाज से। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हुआवे मेट 10 लाइट का 60 जबकि ओप्पो F5 का 47 है। ओवरऑल स्पेक्स के लिहाज से और डिज़ाइन के लिहाज से या फिर बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से दोनों ही इंटरेस्टिंग फ़ोन हैं। दोनों को ये नहीं कहा जा सकता कि ये ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर प्रोसेसर को और कैमरे की जो परफॉर्मेंस है उसको देखा जाए तो हुआवे मेट 10 लाइट ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो ओप्पो F5 के पास जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का प्रोसेसर है
यानी कि आपको 30 प्लस की रेंज में सिर्फ मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि ऐसा गलत है, क्योंकि आपको जो शियामी है वो 10-15 हज़ार की रेंज में भी आपको एंड्रीनो यानी कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर दे रहा है, जबकि ओप्पो जो है ना आपको 31,000 की रेंज में भी सिर्फ वही मीडियाटेक के प्रोसेसर दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही गलत चीज़ है। बाकी ओवरऑल दोनों फ़ोन अच्छे हैं, दोनों को मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी जो चॉइस रहेगी वो Huawei Mate 10 Lite रहेगी, और स्कोर के लिहाज से भी Huawei Mate 10 Lite विनर है। फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियो मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।